नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का बहुत महत्व होता है। सावन के माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नाग पंचमी पर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से भगवान नाग की पूजा होती है, पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागों की भी देवताओं की पूजा होती है। भगवान शिव को भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं नाग, और सावन माह के भगवान शिव को समर्पित होता है ये महीना। इस पावन दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। वहीं नाग पंचमी के दिन उज्जैन में आधी रात में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद प्रसिद्ध नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल जाते हैं। कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश बंद है। वहीं माना जाता है कि भगवान नाग चंद्रेश्वर नाग पंचमी के दिन ही श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। तो आज नाग पंचमी का त्योहार है। कहा जाता है कि आज यहाँ पर भगवान नाग की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें यहाँ पर भोग लगाया जाता है। कहते हैं भगवान शिव का ये पावन महीना है, सावन का महीना, और इसी महीने में नाग की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाली नाग पंचमी पर नाग देवता को प्रसन्न किया जाता है। इसी वजह से आज मंदिरों में सुबह से ही भक्त जुटने लगे और नाग की पूजा की गई। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार पूजा स्थल कार्यक्रमों में पहले के मुकाबले बहुत अंतर देखा गया। पहले मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी होती थी और 24 घंटे भगवान भोलेनाथ की पूजा में लीन होते थे भक्त, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और भक्त इस बार नाग चंद्रेश्वर के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद किए गए ताकि कोरोना संक्रमण न फैले, और इसी को लेकर वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उज्जैन की ये तस्वीरें। जिस तरह भगवान भोलेनाथ का नाम विशाल है, उसी तरह उनका ये मंदिर भी बेहद विशाल और खूबसूरत है। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के साथ ही नाग देवता का मंदिर भी है और साथ ही भगवान गणेश का भी मुख्य मंदिर है। यहाँ पर नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा की जाती है। तो सावन के महीने में भगवान शिव के साथ ही नाग पंचमी का त्योहार भी बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि नाग पंचमी की आज के दिन पूजा करने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। आज भोलेनाथ की पूजा भी नाग देवता के साथ की जाती है। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर भक्त पहुंचे और सभी ने भगवान भोलेनाथ के साथ ही नाग देवता की पूजा की और साथ ही पूजा अर्चना कर भक्त यहां नाग देवता को प्रसन्न कर रहे हैं। आपको बता दें कि नाग पंचमी का त्योहार बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन लोग भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन नागों को दूध पिलाने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन लोग घर के द्वार पर नागों की आकृति भी बनाते हैं। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और रुद्राभिषेक का भी आज उत्तम फल माना जाता है। यदि आप अपने पौराणिक कथाओं की बात करें तो वहां भी नाग पंचमी का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी जगह पर एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर करता था। उसके दो पुत्र और एक पुत्री थी। एक दिन वो अपने हल चलाते हुए उसके हल में फंसकर नागिन के तीन बच्चे की मौत हो गई। ये देखकर नागिन काफी दुखी हुई। गुस्से में आकर नागिन ने उस किसान से बदला लेने का प्रण लिया, और एक रात जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने उस किसान, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को ढस लिया। वो नागिन जब दूसरे दिन उसकी पुत्री को ढसने आई तो उस लड़की ने डर कर नागिन के सामने दूध का एक कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर अपने किए गए कामों की माफी मांगी। कहा जाता है कि इस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नागिन से प्रसन्न होकर कन्या से
वर मांगने को कहा। लड़की ने अपने माता और पिता और साथ ही भाई को जीवित करने का वरदान नागिन से मांगा और उन्होंने ये इच्छा पूरी की। इसी वजह से कहा जाता है कि आज नाग को दूध पिलाने का बहुत महत्व है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि वहां पर नागपंचमी को लेकर क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है। रायसेन का रुख कर लेते हैं पहले, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। रायसेन में फिलहाल क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है, भक्त कितने उत्साहित हैं भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन को लेकर? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रायसेन में भी नागपंचमी का त्यौहार मनाने के लिए लोग उत्सुक हैं। सुबह से ही मंदिर में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग नाग देवता को जल चढ़ाने के लिए, दूध पिलाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, रायसेन में हम एक रामपुर मंदिर पर मौजूद हैं। यह हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि नागपंचमी का क्या महत्व है और नागपंचमी की पूजा क्यों की जाती है। पंडित जी राम राम। पंडित जी, आखिर नागपंचमी का आज त्यौहार है, ऐसा क्या कारण है कि नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, उनको दूध पिलाना पुण्य का काम माना जाता है और लोग उनको दूध पिलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने की बात करते हैं? जी, जैसे नाग देवता को पूजा की जाती है और सुबह से ही माता बहने आ रही हैं और जो है हमारे देश हमारे रामपुर मंदिर से काफ़ी उत्साह के साथ नाग देवता की पूजा की जाती है और सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके बारे में क्या कहा जाता है, लोग नाग देवता की पूजा करना क्यों चाहते हैं? नाग देवता की पूजा इसलिए की जाती है कि भगवान भोलेनाथ ही प्रसन्न होते हैं। नाग देवता की पूजा करने से देवादि देव की पूजा है तो वो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, इसलिए लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप देख सकते हैं मोनिका, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है इसलिए लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। आज का ऐसी कहावत मानी जाती है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बताया जाता है कि एक किसान के खेत में हल चलाते समय एक नागिन और उसके 3 बच्चे आ गए थे, जिसके बाद उसके बच्चों की मौत हो गई थी, ऐसी कथा बताई जाती है। उसके बाद नागिन उनके घर पहुंची और उनको डसने की बात उसने मन में सोचा कि जिस प्रकार इनने हमारे परिवार के सदस्यों को जान लिए, हम भी इनके परिवार के सदस्यों को जान लेंगे। लेकिन जब उसकी बच्ची द्वारा नाग देवता नागिन को देखकर दूध रख दिया जाता है तब वो वहां प्रसन्न हो जाती है और उसने उसको वर देती है। ये कथा इसके कारण प्रसिद्ध है। वहीं रायसेन की अगर बात की जाती है तो रायसेन में खास करके नागपंचमी का त्यौहार, क्योंकि ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सरोवर रहते हैं लोग, इसमें भगवान भोलेनाथ की रात दिन प्रसन्न उनसे प्रार्थना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो भगवान ये सावन का महीना पूरा भक्ति वाला महीना रहता है, इसी में नागपंचमी का त्यौहार आता है। तो नागपंचमी के त्यौहार के दिन लोग नाग देवता को पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं ताकि उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। मोनिका, ठीक है जी, आप बने रहे हमारे साथ। उज्जैन का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम, फिलहाल वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उज्जैन में भगवान महाकाल के साथ ही आज नाग चंद्रेश्वर की पूजा भी की जा रही है, भक्त कितने उत्साहित हैं, क्या नजारा दिख रहा है इस वक्त? जी हाँ, निश्चित तौर पर आज धर्म नगरी उज्जैन पूरी तरह शिवमय हो चुकी है, चारों ओर बोलबम के जयकारे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर कोई चाहता है कि आज बाबा भोलेनाथ बाबा महाकाल के दर्शन कर सके।